Hey guys, so it's day 43 and today I'll do belly exercises on yoga mats. Let's start.
इस पर बैलेंसिंग देन हैंड्स पर स्टैमिना, फिर वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे होगा। एक बैग मत चालू करना, इंक्रीज योर हैंड स्टैमिना फर्स्ट, ओके। उसके लिए धीरे धीरे ऊंचा ऊंचा एक्सरसाइज, देन गो फॉर फोल्डिंग्स धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। ओके, थ्री टू वन, अनदर एक्सरसाइज फॉर हैंड स्टैमिना एंड कफ। नींद जैसा फील होता है, बढ़ता होगा दिस, जाके तुरंत नहा लो। सो गाइस, कैसा लगा? ओहो हो यार, मेरे को तो बड़ा मज़ा आया यार, यू नो, अलग ही एक्सपीरियंस है ये। एक तो ये लंबे बाल ना संभलते नहीं है मुझसे। तो कल वो डंबल्स एंड ऑल करने की वजह से ना मेरा हाथ, कल परसों तीन दिन से लगातार कर रही हूँ ना, तो मेरे हाथ एकदम से गल गए हैं, गल, तो उनमें ताकत नहीं बची। तो इसलिए मैंने सोचा आज बाकी कुछ करने से ज़्यादा मैं सिर्फ और सिर्फ योगा मैट वाले जो बेली एक्सरसाइजेज है वो करूँगी, जिससे कि हाथों की भी एक्सरसाइज थोड़ी बहुत हो ही जाती है ना, हाथों की वजह से चेस्ट की भी हो जाती है, इट्स ऑल कनेक्टेड। बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगा एक टाइम पर जब इतना सब किया तो ऐसे लगा कि बस कल सुबह उठूंगी और मेरा पेट गायब हो जाएगा। यार आती है ना कभी ऐसी फीलिंग, इतना कर लिया तो भाई अब कल बस पेट, सुबह उठो और पेट गायब, बेली गायब। क्या क्या ख्याल आते हैं दिमाग में। ओह, अब तो मैं लोगों के सपने में भी आने लगी हूँ, बताओ भला कितने जनों ने कमेंट किया कि मैम आप तो मेरे सपने में आने लगे हो, सपने में आने लगे। मैंने उनको पूछा मैं क्या कर रही हूँ सपने में।
गॉड ऐसा जब कब होता है पता है, जब हम किसी चीज के बारे में ना ज्यादा सोचते हैं एंड उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं ना, तब होता है. बहुत सही लगता है ये. एंड यू नो व्हाट, कि देखो बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट्स थे कि मैम हम कितना भी कुछ भी कर ले हम मोटिवेट होते ही नहीं है, मोटिवेट होते ही नहीं है. तो उसका एक कारण बताती हूँ. देखो इंसान दिन में कितने घंटे बस स्क्रोलिंग में गवाता है, बराबर रील्स देखो, ये वीडियोस देखो, वो वीडियोस देखो, फलाना देखो, कितने घंटे उसमें गवा देता है. लेकिन जब उसके कुछ काम की चीज होती है तो उस वीडियो को, उस पर्टिकुलर वीडियो को वो 10-10 सेकेंड स्किप करके देखता है. तो मुझे एक बात बताओ, फिर आपको आपके मतलब की जानकारी कब मिलेगी? वो जो सारे अलग अलग रील्स देखकर जो टाइम वेस्ट होता है उसमें मिलेगी, या फिर आप जिस चीज को अगर करना चाह रहे हो एंड उसके बारे में आप सर्च करते हो या आपको सडनली वो वीडियो दिख जाता है तो आप उस चीज में थोड़ा टाइम दो ना. ज्यादा से ज्यादा देखो हाफ एन आवर विदाउट स्किपिंग, जस्ट वॉच द वीडियो. भले मेरा हो या किसी और का हो, जो चीज आपको मोटिवेट करे ना उस चीज का वीडियो एटलीस्ट हाफ एन आवर निकाल कर उसे देखो, क्योंकि वीडियोस मैक्स टू मैक्स उतने ही होते हैं टाइमिंग के. स्किप कर कर देखोगे और आपका जो क्वेश्चन है, आपकी जो क्वेरी है, अगर उसका जवाब उस स्किप किए हुए दौर में ही निकल गया तो आपको क्या जवाब मिलेगा? फिर आपके क्वेश्चंस कहाँ आ जाते? कमेंट सेक्शंस में. इस वजह से आप जब वीडियोस पूरा क्लियरली देखोगे, लाइक बिना स्किप किए देखोगे, तभी तो आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिलेंगे ना. क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं और मुझे इंक्लूड करके कि हम डिटेल्ड में चीज़ें दिखाते हैं, बराबर. दूसरों का पता नहीं लेकिन मैं तो डिटेल्ड में चीज़ें दिखाती हूँ, बराबर. तो अगर और कुछ कहती भी हूँ तो होता है ना लोगों का, अरे यार अब ये बोलने लग गई, अब क्या बोलेगी. तो इसके बदले एटलीस्ट बीच में अगर मैंने आपके ही क्वेश्चन का जवाब दिया हो, आपके ही दिल में जो सवाल हो उसका जवाब दिया हो, तो उसे स्किप करके कोई मतलब नहीं है ना. आप क्या बोलते हैं, पूरा वीडियो देखकर भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप स्किप करके देखते हो तो. क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो तो आपको मिली ही नहीं क्योंकि आपने उसको स्किप कर दिया. तो मैं मेरे ही वीडियो के लिए नहीं बोल रही हूँ, बाकी किसी के भी, जो भी चीज़ आपको मोटिवेट करती है ना, डू नॉट स्किप, वॉच फुल वीडियो, ताकि आप क्या बोलते हैं ना, इन्फॉर्मेटिव रहे, उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिले, जिस भी चीज़ पर आप कुछ करना चाह रहे हो. ओके, दैट्स व्हाई पीपल गेट डीमोटिवेटेड, क्योंकि उनको उनके सवाल का जवाब वो वीडियो में दिया होता है फिर भी मिलता नहीं है. ओके, तो इसलिए ट्राई करो, हाफ एन आवर निकालो. जहाँ पर हम इतना दिन बस स्क्रोलिंग कर करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो उससे अच्छा है कुछ जब हमारी काम की चीज़ है तो उसको तो ध्यान से देखे, ज़्यादा नहीं हाफ एन आवर निकाल ले बस, सिंपल. ठीक है, चलो मेरा तो आज का एक्सरसाइज हो गया. आई आई आई, आज मेरे थाइस जाने वाले हैं काम से डेफिनेटली. तो कल के वीडियो में मैंने दिखाया था मैं किस प्रकार का खाना खाती हूँ घर पर, घर का बना हुआ वगैरह जो भी. तो आज मैं कुछ नहीं दिखाऊंगी, मैं यहीं पर मेरा व्लॉग फिनिश करती हूँ. सो यर्स रोहिणी भगत गुप्ता साइनिंग ऑफ फ्रॉम डे 43 ऑफ 75 हार्ट चैलेंज. होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज, एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू कमेंट बिलो कि कौन सी एक्सरसाइज आपको सबसे ज्यादा हार्ड लगती है. मुझे तो पुशअप्स हार्ड लगते हैं, इसलिए मैंने धीरे धीरे शुरू किया है उसे, लाइक विदाउट बेंडिंग एंड देन लिटिल बिट बेंडिंग बेंडिंग माई एल्बोज. तो आप लोग मुझे बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में आप लोग को कौन सी एक्सरसाइज सबसे हार्ड लगती है, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करके बताना क्योंकि मुझे एक्सरसाइजेस के नाम नहीं पता. चलो ठीक है गाइज, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बी मोटिवेटेड. बाकी मैं हूँ, अगर आप लोग डीमोटिवेट हुए तो फिर मैं डंडा लेकर आती हूँ फिर. ओके, चलो बाय गाइज, लव यू ऑल एंड मिस मी अंटिल टुमारो, क्योंकि कल भी तो आऊंगी ना वीडियो के साथ. बाय टेडी एंड हाय रब्बा, मैंने चश्मा इधर है, ऐसे ही भूल जाती हूँ मैं चश्मा रख कर कहाँ पर भी. वन टू थ्री फोर, वाओ. रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए. Da-da-da!